चित्रामोर स्थित पोलो मैदान में आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से 10 दिवसीय ग्रैंड ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया गया। वहीं ट्रेड फेयर का उद्घाटन राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलय घटक ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि जिस तरह से आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्रैंड ट्रेड फेयर का आयोजन किया है, देश विदेश के व्यापारी वर्ग को यहाँ समाहित किया है, यह काफी सराहनीय कार्य है। इस संबंध में आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम बगड़िया ने कहा कि ग्रैंड ट्रेड फेयर में 7 देशों और 16 राज्यों के आए व्यापारियों ने स्टॉल लगाए हैं। इस अवसर पर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC गुरदास चैटर्जी, वरिष्ठ सलाहकार जगदीश प्रसाद केडिया, पवन गुटगुटिया, नरेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आलोक धर समेत आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी व सदस्य गण उपस्थित थे। आइए आपको दिखाते हैं कि इस विषय पर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम बगड़िया ने क्या जानकारी दी। कई वर्षों से इस ट्रेड फेयर का लाभ क्या है, व्यवसायियों को क्या फायदा मिलता है और कहां कहां से ट्रेड फेयर में लोग? इस ट्रेड फेयर का फायदा यही है कि जस्ट एक इवेंट कर रहे हैं हम लोग, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड CCG ग्रुप के संग। और लास्ट ईयर हमारे पास 2 कंपनी आई थी बाहर से, इस बार जो है 6-7 कंट्री से आए हैं, दुबई है, मलेशिया, अफगानिस्तान, तुर्की, और मैं तो बोलता हूँ मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे सब आके इसका आनंद उठाएं। बहुत अच्छा ट्रेड फेयर चल रहा है, नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, खरीदने को मिल रही है और उचित दाम में, यानी कि दाम बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, तो उचित दाम में मिल रहा है और बहुत बढ़िया ट्रेड फेयर है। हम आशा करते हैं कि ये हम पिछले कई साल से कर रहे थे, जो फर्स्ट लोगो ग्राउंड में किए थे तो माननीय मुख्यमंत्री हमारी ओपनिंग करी गई थी, इस बार जो है CCG ग्रुप और मंत्री महोदय यहाँ पर हैं। मैं तो अभी बस जस्ट बोला वहाँ पर, मंत्री मोदी जी हमारे हैं, दादा दो रकम करते हैं, एक दादा वो दादा नहीं बुढ़ा, हम लोग बड़े दादा हैं तो हम लोग का साथ दिया हमेशा, हर साल साथ देते हैं। कितने स्टॉल आए हैं? 200 स्टॉल हैं और एक स्टॉल में 50 स्टॉल रहते हैं, वो पूरा ब्रांडेड कपड़े वाले लिए हैं और बहुत अच्छा। मैंने क्या क्या स्टॉल है यहाँ पर? स्टॉल सब लाइटिंग के हैं, फर्नीचर के हैं, मैक्सिमम कपड़ा बांग्लादेश साड़ी है। मैं कल परचेज़ किया एक कोट एक जैकेट 2,000 रुपये में, जबकि स्टिचिंग लग जाती है 3-4,000 रुपये। बोल रहे हैं सर कि ये जो आए हैं इन लोग मार्केटिंग कितना करते हैं, पिछले साल कितना इनकम किया था इस ट्रेड फेयर से, इस बार कितना? भाई एक्चुअली में कोई बताता नहीं है, लेकिन ये है कि दे आर सेटिस्फाइड, सब रिपीट किए हैं और हम लोगों को बोल के कि हम लोग इस बार आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा, पिछले साल 5 करोड़ रुपये के लगभग टर्नओवर हुआ था, इस बार हम लोग की उम्मीद है और ज़्यादा होना चाहिए। ओम प्रकाश बगड़ी, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष।